हाय एवरीवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर दिस इज़ वीडियो नंबर सेवनटीन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एलगुरथम यूजिंग जावास्क्रिप्ट आज हम कवर करने वाले हैं सिलेक्शन शॉट एग्जांपल के साथ समझेंगे लॉजिक बनाएंगे ये एक ऐसी एलग्रथम है जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है है ना हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था हमने कंपेरिजन किया था बबल शॉट सिलेक्शन शॉट इंसरशन शॉट हीप शॉट सबको कंपैरिजन किया था और देखा था कि जो सिलेक्शन शॉट है जो बहुत टाइम ले रही है चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में देख लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लो दोनों केस में सिलेक्शन शॉट सबसे ज़्यादा टाइम ले रही थी अभी हमने लास्ट जो शॉट कवर किया है वो है बबल शॉट और बबल शॉट में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है उसे हम सबसे लास्ट में लेके जाते हैं और अपनी शॉटिंग परफॉर्म करते हैं हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था ऑप्टिमाइज करके हमने बबल शॉट के लॉजिक को ऑप्टिमाइज़ किया था ताकि नंबर ऑफ आइट्रेशन कम हो जाए है ना ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो आज सीखने वाले हैं सिलेक्शन शॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे आपको तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और आप लोगों का प्यार बना हुआ है तो आज हम लेक्चर 18 तक पहुंच चुके हैं और बहुत आगे जाएंगे अभी ठीक है हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश करूंगा इस सीरीज़ के अंदर ठीक है तो सिलेक्शन शॉट को समझने से पहले इस लॉजिक को समझने से पहले मैंने एक सिंपल एक फंक्शन बना लिया सिलेक्शन शॉट जहाँ पे एक एरे रिसीव होगा और जो एरे है कुछ इस तरीके का है आप कोई भी एरे ले सकते हो जो शॉर्ट ना हो और उसके बाद ये लॉजिक आपका जेनरिक है आप किसी भी नंबर्स के साथ इसे यूज़ कर सकते हो ठीक है तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो कि हैं जीरो टू थर्टी फोर ट्वेंटी टू टेन नाइनटीन जो कि सॉर्टेड नहीं है दिख रहा है ठीक है बट सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक बनता कैसे है क्या है और कितने लूप लगेंगे उस तक जाने से पहले पहले कुछ थोड़ा विजुअल देख लेते हैं ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ ठीक है तो जितने भी अभी आने वाली प्रॉब्लम होने वाली हैं वो सब हम देखेंगे हमारे पास एक साइट है विजुअल एल्गो करके ओके सो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट सेलेक्ट कर लिया है इस एनिमेशन को देखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो सिलेक्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम बोलती है तो जो सिलेक्शन शॉट की एलग्रोथम बोलती है पहले मैं आपको वो बोल के दिखाऊंगा उसके बाद फिर हम इस एनिमेशन को अच्छे से समझ पाएंगे और लॉजिक भी बना पाएंगे तो ध्यान से कान खोल लो और इधर पूरा ध्यान होना चाहिए सबका ठीक है हमारे पास कुछ नंबर्स हैं ठीक है जो कि सॉर्टेड नहीं है तभी हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट क्या बोलती है कि जो आपका पहला एलिमेंट होगा जो भी नंबर्स आपके पास हैं जो पहले एलिमेंट है उसको आपने कंसीडर करना है कि वो एलिमेंट आपका सबसे मिनिमम है पहला एलिमेंट आपको कंसीडर करना है कि वो मिनिमम है चाहे वो नंबर आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा हो आपको थोड़ी पता है नंबर कुछ भी हो सकते हैं बट आपको फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करना है कि वो मिनिमम है तो जो आपका पॉइंटर होगा सबसे पहले जो फर्स्ट है आपका एलिमेंट वो आपका मिनिमम है ये आपको कंसीडर करना है स्टार्टिंग फर्स्ट से ही होगी यार है ना पाँच से थोड़ी कर सकते हैं तो ये आपको मिनिमम मान लेना है तो एलोरिथम का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करना है कि वो मिनिमम एलिमेंट है ठीक है आपका लूप चलेगा फोर्टी फोर थर्टी एट फाइव क्या अब देखना है थ्री से कुछ कम है अगर थ्री से कुछ कम होगा पूरा लूप चलाएंगे लास्ट तक जाएंगे अगर थ्री से कम कुछ होता है थ्री से छोटा नंबर होगा तो वो मिनिमम बन जाएगा और हम स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे उनके बीच में ये सिलेक्शन शॉर्ट एल्ग्रिथम कहती है तो यहाँ पे थ्री है फोर्टी फोर थर्टी एट फाइव फोर्टी सेवन फिफ्टीन थर्टी सिक्स ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन टू आ गया अब आपका मिनिमम ये हो जाएगा ठीक है पोजीशन वही है पोजीशन वही रहेगी उसको कुछ नहीं करना है पोजीशन वही है बट हम मिन अब ये मान लेंगे जो मिन है वो ये है आगे गया कुछ नहीं है तो थ्री और टू आपस में स्वैप हो जाएंगे पहला आइट्रेशन ख़त्म दूसरे आइट्रेशन पे आते हैं अब जो मेरा नेक्स्ट है फोर्टी मेरा मिनिमम हो जाएगा फोर्टी मेरा मिनिमम हो जाएगा ठीक है थर्टी एट आया फाइव छोटा है फाइव मिनिमम हो गया ठीक है उसके बाद आपका फोर्टी सेवन आया फिफ्टीन आया थर्टी सिक्स आया ट्वेंटी सिक्स आया ट्वेंटी सेवन अब यहाँ पे टू नहीं है थ्री है क्योंकि हम स्वैप कर चुके हैं तो थ्री मेरा क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा और थ्री से कुछ कम है नहीं है तो यहाँ पर आपका फोर्टी और थ्री स्वैप हो जाएंगे ठीक है फोर्टी फोर थ्री यहाँ पर स्वैप हो तो यहाँ पर थ्री आ जाएगा और फोर्टी आपका चला जाएगा यहाँ पर अब यहाँ पर टू लिखा है क्योंकि मैंने अभी कुछ चला ही नहीं है एनिमेशन अभी देखिएगा ये चीज़ होने वाली है ठीक है तो मैं रन करता हूँ तो कहने का मतलब क्या है कि हम फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम मान रहे हैं फिर सब एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं फिर जो मेरा मिन होगा उसको हम फिर रिप्लेस कर देंगे स्वैप कर देंगे ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो अभी वर्किंग में दिखाऊंगा आपको बट ये जो नंबर है फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये सारे एलिमेंट से हम कंपेयर कर रहे हैं एक तरीके से तो ये आपका सेकेंड लूप होगा और ये आपका पहला लूप है फिर जब सेकेंड लूप पूरा चल जाएगा तो आपका पॉइंटर यहाँ आ जाएगा फिर सेकेंड जब पॉइंटर यहाँ आएगा तो इन सभी एलिमेंट से कंपेयर करेंगे ऐसे करते 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 हम एंड में आ जाएंगे फिर मान लो आपका पॉइंटर फाइव पे आ गया तो सेकंड लूप आपका इनके लिए चलेगा तो पिछले नंबर है फाइव से पहले वो ऑलरेडी शॉर्ट हो चुके हैं तो जैसे जैसे आपका पॉइंटर बढ़ रहा है तो जो पॉइंटर बढ़ रहा है वो आपका आउटर लूप है और जो आगे नंबर हम कंपेरिजन कर रहे हैं वो आपका इनर लूप है ठीक है अभी देखिएगा समझिएगा तो मैं अभी रन करता हूँ देखते हैं कितना आप समझ पाते हो तो पॉइंटर आपका अभी रेड है थ्री पे है ये आपका मिनिमम है कंपेरिजन हो रहा है हो रहा है टू सबसे छोटा आ गया ये मिनिमम हो जाएगा देखिए इससे छोटा कुछ है नहीं स्वैप हो गया ठीक है नेक्स्ट पॉइंटर फोर्टी फोर पर आ गया देखो सेकंड लूप चल रहा है ये ये इनर लूप चल रहा है आपका फाइव पे आ गया थ्री पे आ गया और ये स्वैप हो जाएगा फोर्टी फोर और स्वैप हो गया थर्टी एट पर आ गया फाइव पे आ गया फोर पे, पे आ जाएगा उससे छोटा कुछ नहीं स्वैप हो जाएंगे थर्टी और फोर स्वैप हो जाएंगे तो देखिए इस तरीके से हो रही नंबर सोट होते जाएंगे और इस तरीके से सिलेक्शन सोट आपका काम करता है फोटी फोर पर आ गया पॉइंटर फिफ्टीन अप पॉइंट वो हो गया मिनिमम इसे छोटा कुछ है नहीं है तो ये स्वैप हो जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से गाइस सिलेक्शन शॉर्ट काम करता है और अभी जितना हमने बोला है उसे हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ कोड करके भी चलिए चलते हैं कोडिंग पे इसको चलने देते हैं हम अपना कोड अप करने चलते हैं तो सबसे पहले हम एक आउटर लूप बनाते हैं लेट कर लेते हैं आई मेरा है ज़ीरो और आई इजन हो जाएगी मेरी एरे की लेंथ ठीक है इस वीडियो को एंड तक देखना तुम्हें एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है सेकंड लूप चला रहे हैं जी जैसा मैंने कहा कि जैसे मान लो ये ज़ीरो है मान लो ये फिक्स है मिनिमम है तो इस ज़ीरो के लिए ये आपका इन सभी नंबर्स के लिए चेक होगा फिर पॉइंटर आपका टू पे आएगा फिर सभी नंबर के लिए चेक होगा फिर पॉइंटर थर्टी फोर पर आएगा फिर सभी इसके लिए चेक होगा इस तरीके से काम कर रहा है ये ठीक है तभी हम दो लूप लगा रहे हैं तो जो पॉइंटर वाला काम करेगा वो आउटर लूप करेगा बाकी जो अदर नंबर से हम कंपेरिजन करें वो सेकेंड वाला लूप करेगा तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेट आई प्लस वन क्योंकि मुझे अगले नंबर से करना है ना तो आई प्लस वन करना पड़ेगा क्योंकि देखिए जीरो है तो मुझे क्या करना है टू फिर थर्टी फोर ट्वेंटी टू तो इसलिए आई प्लस वन ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लेंगे जे इज लेस देन एवरे डॉट लेंथ और जे प्लस प्लस अब जैसे मैंने कहा आपको दो लूप तो हमने लिख लिए हैं यहाँ पे बट मुझे क्या करना है यहाँ पे लेट करना है एक मिन जो होगा मेरा वो आई है ठीक है सो आई मेरा ज़ीरो है मिन की वैल्यू जो है वो जीरो है ठीक है जो मिनिमम है मेरा वो जीरो इंडेक्स है जीरो पे क्या है जीरो है वैल्यू क्या है जीरो तो अभी मैं कंसीडर कर रहा हूँ जो मेरा पहला एलिमेंट है वो मिनिमम है चलो ठीक है अब मैं पे एक सिंपल एक कंडीशन लगा रहा हूँ अपनी कि जो मेरा आई होगा जे अगर वो मेरा लेस देन होता है मेरे एरे मिन से तो उस केस में हम क्या करेंगे हमारी जो जे की वैल्यू है उसे हम मिन कर देंगे छोटी होगी वो है हाँ ना बस सो so, अभी हमने यहाँ पे दो लूप लगा लिए हैं और जो मेरा पहला एलिमेंट है उसको हमने मिनिमम मान लिया है ठीक है तो जो आपका आउटर लूप है बेसिकली वो क्या कर रहा है वो हर बार पॉइंटर बदलेगा बस जैसे एक पहले पॉइंटर ये रहेगा और जो इंटरनल लूप चल रहा है वो आपका इन नंबर्स के लिए है। फिर पॉइंटर यहाँ स्विट टू पे स्विच हो जाएगा फिर इनके लिए लूप चलेगा इंटरनल लूप और इस तरीके से मिनिमम की वैल्यू बदलती रहेगी और हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे अब स्वैपिंग परफॉर्म करने का लॉजिक मैंने लिखा नहीं है पहले इसको थोड़ा समझते हैं और अच्छे से मुझे पता है यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कुछ लोगों को तो यहाँ पे अगर मैं आइट्रेशन दिखाऊँ आपको एक आइट्रेशन देखते हैं वो करके कि कैसे चल रहा है वर्किंग क्या है ठीक है तो पहले हम लेते हैं केस वन तो केस वन में हमने यहाँ पे नंबर्स ले लिए ठीक है, है और यहाँ पे ये नंबर्स हैं मेरे पास अभी मेरा जो पहला नंबर है मतलब आई I मीन mean, जब लूप चलेगा आई ज़ीरो है ज़ीरो की वैल्यू मिन में चली जाएगी जो कि है ज़ीरो और जीरो से जो टकराएगा वो जीरो हो जाएगा <laughs> चलो तो यहाँ पे जीरो हो गया आपका अभी इंडेक्स कहाँ है मैं आप एक काम करता हूँ थोड़ा समझते हैं इसको यहाँ पे आई कंसीडर कर लेते हैं ये आपका आई है ठीक है तो अभी आई मेरा पॉइंटर कहाँ पे है यहाँ पे है इसको पी कर देते हैं पॉइंटर मेरा कहाँ पे है यहाँ पे है अब आपका जो जे प्लस वन है वो क्या है ये टू तो चलता रहेगा और कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है आई जे लेस देन मेरा मेन कोई छोटा है नहीं जीरो सबसे छोटा है तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें चलो जी केस टू ले लेते हैं पर केस टू में क्या होगा पॉइंटर मेरा बढ़ जाएगा अब ये केस टू में क्या होगा पॉइंटर मेरा आ जाएगा यहाँ हम्म ये आ गया पॉइंटर यहाँ पे। अब टू हो गया मेरा मिनिमम की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे इंडेक्स वाइज़ क्या होगी वन होगी मिनिमम वैल्यू क्या है मेरी इंडेक्स की वन बट वैल्यू क्या है मेरी टू अब यहाँ पे सेकंड लूप चलेगा जी और थर्टी फोर मिल गया उसको बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है और टू मेरा सबसे छोटा है तो कोई चेंज नो चेंज कोई चेंज नहीं होगा ठीक है समझेगा ध्यान से बहुत मेहनत लग रही है इसमें और इस मेहनत पर एक लाइक तो बनता है थ्री पॉइंटर कहाँ चला जाएगा मेरा पॉइंटर चला जाएगा यहाँ पे भी आ गया जी अब इंटरेस्टिंग है अब स्वैपिंग होगी आप ध्यान से देखिएगा अब थर्टी फोर पर पॉइंटर है सेकंड लूप चलेगा जो कि ट्वेंटी टू मिलेगा और ट्वेंटी टू मेरा क्या है छोटा है ट्वेंटी टू क्या है मेरा छोटा है पॉइंटर मेरा यहीं पे है पॉइंटर मेरा यही रहेगा पॉइंटर फिक्स रहेगा ये चेंज नहीं होगा क्योंकि स्वैपिंग इसी के साथ इसी इसी पोजिशन से स्वैपिंग होगी इसको चेंज नहीं करना है हमें जो ये मिन वाली वैल्यू है ये लूप से पहले है जो है ऑलरेडी है तो यहाँ पे आपका 22 आ गया छोटा है जी 22 अभी कंडीशन ट्रू हो गई मिनिमम की वैल्यू जो है आपकी जो इंडेक्सिंग है 22 की वो मिन में स्टोर हो जाएगी तो अब आपका यहाँ पे एक तरीके से मिन uh, आ गया यहाँ पे यू कैन से चलो जी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आया जी अब लूप चलेगा आपका उसको मिलेगा टेन ध्यान से देखें जो मीन वैल्यू है वो क्या है ट्वेंटी टू है ठीक है वो पॉइंटर है थर्टी फोर कन्फ्यूज में तो ये वो पॉइंटर है जो पहले फ़िक्स कर रखा है हमें ट्वेंटी टू है अब आपके आपका नेक्स्ट है टेन टेन इज़ लेस देन ट्वेंटी टू येस तो अब मीन आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फिर टेन नाइनटीन आ गया नाइन्टीन इज़ लेस देन नहीं तो जो आपका मीन है वो क्या है ये है तो अब फाइनल क्या हो जाएगा आपका जो ये आपका मिन है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे क्योंकि आपका थर्टी फोर है और ये अब हम इसको और जो नेक्स्ट आएगा मेरे पास क्या आ जाएगा वो ये आ जाएगा तो यहाँ पे कर देंगे हम टेन और यहाँ कर देंगे थर्टी फोर फिर आपका पॉइंटर अभी स्वैप कर दिया हमने फिर अब ये केस थ्री हो गया अब केस फोर इस एरे के साथ होगा तो अगर केस फोर देखें तो यहाँ पे चेंज हो गया इसको नो हटा देते हैं अभी बस ये आ गया तो पॉइंटर अब आ जाएगा आपका कहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी टू पर तो यहाँ पे ट्वेंटी टू मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पे इंडेक्स क्या रहेगा जीरो वन टू थ्री तो इंडेक्स क्या रहेगा मिनिमम वैल्यू थ्री हो जाएगी अब थर्टी फोर और नाइनटीन का चलेगा थर्टी फोर बड़ा है पर नाइनटीन है नाइनटीन छोटा है तो क्या हो जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा क्या आउटपुट आएगा फटाफट से बता देंगे आप देख के नाइनटीन और ट्वेंटी टू और फिर लास्ट में हमारे पास केस फाइव के लिए क्या आ जाएगा ये वाला वाले आरे लेंगे इंडेक्स कहाँ आ जाएगा थर्टी फोर पर आ जाएगा और नेक्स्ट uh, आपका ट्वेंटी टू है तो ट्वेंटी टू इज़ लेस देन थर्टी फोर स्वैप हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा फाइनल ये आपका ये हो जाएगा ट्वेंटी टू और थर्टी फोर तो इस तरीके से पॉइंटर जो है जो आपका आउटर लूप चल रहा है जिसकी वैल्यू वो फिक्स रहेगी उसी के साथ स्वैपिंग करेंगे हम तो मतलब जो आई होने वाला है और जो मिन है अगर वो वैल्यू मैच नहीं करेंगी इंडेक्स वाइज क्योंकि ये तो आपका हमेशा कभी वन होगा कभी टू होगा थ्री होगा और जो मिनिमम जहाँ पे काउंटर जो मिनिमम का जा रहा है उसका इंडेक्स अगर वो मैच नहीं करेगी तभी स्वैपिंग करनी है चलो देख लेते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ इसको एक कमेंट कर रखा है हमें इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे भी कमेंट डाल देते हैं यहाँ भी डाल देते हैं जी यहाँ भी डाल देते हैं ठीक है अब मैं क्या बोल रहा हूँ सेकेंड टू पूरा चल जाएगा मेरा यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हम इफ अगर मेरा आई इज़ नॉट इक्वल टू मिन है उसी केस में स्वैपिंग होगी ना यार तो हम क्या करेंगे जो मेरा टैंप ले लेंगे एक ठीक है एक टैंप कंसीडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और जो मेरा एरे की वैल्यू है आई वाली वो टैंप में चली जाए ठीक है और जो मेरी मिनिमम वैल्यू है जो आई है वो मेरी एरे आई में चली जाए ठीक है एरे आई में ये डाल देता हूँ मैं और जो मेरी टैंप की वैल्यू है वो हम मिनिमम में डाल देंगे स्वैपिंग यही तो है आपकी बस काम खत्म तो अगर आई और मेन की वैल्यू मैच नहीं होगी तो जो ए अब एरे की वैल्यू है आई की वैल्यू जो कि आपको पता है यहाँ से मिलेगी आपको जो आपकी ये है जो आपकी जो आपका पॉइंटर है वो आपने टैम्प में स्टोर करवा दिया और जो मिनिमम है जो आपको इंडेक्स आएगा जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर आया था जब हमने फर्स्ट केस किया था तो थर्ड केस के अंदर हमने हमारा जो मिन था यहाँ पे जो कि था मेरा टेन था तो टेन और थर्टी फोर का हमने रिप्लेस किया था राइट तो यहाँ पे मेरा मिन है ये तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे मिन वाली एरे आई में डाल दी और जो टेम्प वाली वैल्यू थी जो हमें आ, हमारी इनिशियल वैल्यू थी थर्टी फोर वो हमने मिन में डाल दी तो इस तरीके से हम स्वैपिंग कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास ये इस तरीके से लॉजिक बन गया है और जैसे ही ये पूरा लूप चल जाएगा तो मैं रिटर्न करवा दूंगा अपना एरे चलो जी अब यहाँ पे एक काम करते हैं मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेता हूँ और इसी देखते हैं कि सब चल रहा है सही नहीं चल रहा है और इसको फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और ये मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे मैं कंसोल लगा देता हूँ तो इसके अंदर दो लूप चल रहे हैं जैसा आप देख रहे हो तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आपकी ओ एन होगी मतलब क्वाड्रेटिक होगी तो यहाँ पे हम इसे प्रिंट करवा देते हैं और बस तो यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं एक बार तो ज़ीरो टू टेन नाइनटीन ट्वेंटी टू थर्टी फोर आपका ये सॉर्ट हो चुका है जी लॉजिक आपका परफेक्टली काम कर रहा है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा शायद यहाँ पे हो सकता है आपको कन्फ्यूजन तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका लूप चलेगा तो आपकी आई जो है वो फिक्स है जो इंडेक्स वाइज क्योंकि इंडेक्स कंपेयर हो रहा है अगर इंडेक्स मेरा मैच नहीं करेगा मिन का जो भी इंडेक्स होगा उस केस में स्वैपिंग होगी तो पूरा लूप चल जाएगा ये पूरा लूप चलने के बाद सेकंड लूप चलने के बाद ही आपके पास फाइनल मिन मिल जाएगा उसका इंडेक्स मिल जाएगा और अगर वो i की एक मैच नहीं है तभी हम फिर एरे में से वैल्यू निकालेंगे टाइप में डालेंगे मिन वाली मिन वाली वैल्यू निकालेंगे वो इसमें डालेंगे और उस तरीके से आपकी स्वैपिंग होगी फिर दोबारा लूप चलेगा आपका तो पॉइंटर जैसे जो भी केसेस देखे थे ना हमने ये सारे केसेस आपके लूप के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है तो जो ये था आपका सिलेक्शन शॉट और सिलेक्शन शॉट में हमने क्या सीखा कि हम हम पहले एलिमेंट को जो पहली पोजिशन होती है उसको मिनिमम मान लेते हैं उसके बाद फिर कंपेरिजन करते रहते हैं सेकेंड लूप के अंदर जो सेकेंड लूप चल रहा होता है और जो मिनिमम है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और उसके बाद जो पोजीशन है उस पोजीशन से उसको जो मिनिमम की वैल्यू जहाँ भी काउंटर पहुँचा है जो मिनिमम की वैल्यू है उसको हम उस पोजीशन के साथ रिप्लेस मार देते हैं जो हम यहाँ पे देख रहे थे तो ये जो पोजीशन हम इनिशियली एज्यूम कर रहे हैं ये आपकी फ़िक्स रहती है इसी के साथ स्वैप मारते हैं हम ठीक है सो आई बिलीव गाई सिलेक्शन सोट आपको क्लियर होगा कोई डाउट हो तो कमेंट so सेक्शन में बताना बाकी थैंक यू सो मच मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन ध्यान रखिए अपना